देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं रहे। गुरुवार यानी आज के दिन शाम 5:05 पर उनका निधन दिल्ली के एम्स अस्पताल में हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। वो बीते 11 जून से ही एम्स में भर्ती थे। करीब 9 हफ्ते तक एम्स में भर्ती रहने के बाद उन्होंने गुरुवार 16 अगस्त आज के दिन शाम को आखिरी सांस ली। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित सभी नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की खबर मिलते ही एम्स में नेताओं का तांता लग गया। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की तबीयत बिगड़ने की खबर बुधवार 15 अगस्त की शाम को आई थी। एम्स में मेडिकल बुलेटिन जारी करके कहा था कि उनकी हालत पिछले 24 घंटों में और भी बिगड़ गई है। बुधवार की देर रात तक उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। ये खबर आने के बाद ही बुधवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री उन्हें देखने पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी को डायबिटीज के साथ ही यूरिन, सीने और किडनी में इन्फेक्शन की शिकायत थी। 93 वर्षीय अटल बिहारी वाजपेयी 11 जून से ही एम्स में भर्ती थे। मधुमेह के शिकार 93 वर्षीय बीजेपी नेता का एक ही गुर्दा काम करता था। 2009 में उन्हें स्ट्रोक आया भी था, जिसके बाद उनकी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो गई थी। बाद में वो डिमेंशिया से भी पीड़ित हो गए। जैसे जैसे उनकी सेहत गिरती गई, धीरे धीरे उन्होंने खुद को सार्वजनिक जीवन से दूर कर लिया। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी डिमेंशिया नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और 2009 से ही व्हील चेयर पर थे। हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। वो बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने का वाले पहले और अभी तक के एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता थे। वाजपेयी 3 प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वो पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों तक ही रह पाई थी। 1998 में वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब उनकी सरकार 13 महीनों तक चली थी। 1999 में वाजपेयी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 5 का कार्यकाल पूरा किया। 5 का पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से विनीत राय की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।